माँ दुर्गे की पूजा कर रहे थे। उस समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड के जो पदाधिकारी थे उन्हें फॉर्म भरने के लिए कह रहे थे। मैं निवेदन करूंगा इनसे कैसे पदाधिकारी पर अंकुश लगाए, अन्यथा जिला माध्यमिक शिक्षक संघ या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कुछ करने के लिए आतुर हो जाएगा। बड़े कष्ट में है। मैं बता दूं इस जिले की स्थिति कि जितने विद्यालय हैं करीब करीब सब के सब प्लस टू विद्यालय हो गए हैं। कोड दे दी है सरकार, बच्चे नामांकित हो रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। मित्रों, एक भी शिक्षक प्लस टू के नहीं है। मैं केशव उच्च विद्यालय का प्रधानाध्यापक, जिस समय नामांकन की बात कर रहे थे आदेश आया आप नामांकन करें, इन्होंने रिप्लाई दिया कि मेरे पास शिक्षक नहीं है। डायरेक्टर महोदय से उधर से आया कि क्या उन्हें सस्पेंड होना है। वे नामांकन हो या नहीं हो इनकी जवाबदेही नहीं है। नामांकन करें और नामांकन किया गया। ये स्थिति है कि शिक्षक नहीं है फिर भी आप नामांकित करें, और प्लस टू के शिक्षक जब नहीं है तो प्लस टू के बच्चे का नामांकित माध्यमिक शिक्षक करते हैं। अभी बहुत कष्ट में बहुत कम अवधि में है लेकिन उस सारे बच्चों को नामांकित कर फॉर्म रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना है। इसी समय अगर एक नगर पालिका के चुनाव खत्म नहीं होता तो शायद उन्हें नगर पालिका के चुनाव भी कराना पड़ता। शिक्षक इतने कष्ट में है लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। थोड़ी सी बात अगर गलती हुई हम शिक्षक कभी चोरी नहीं करते। सांसद महोदय अगर मैं कोई गलती करता तो 10 मिनट लेट जाता और 10 मिनट पहले चला जाता। यही हमारी गलती है, वे सारे शिक्षक नहीं करते हैं। अगर कहीं कष्ट होता है तो उन्हें दूर रहने की वजह से व्यवस्थाएं नहीं है। आजादी के बाद गांव के लोगों ने अपने विद्यालय को बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए बनाए थे। सरकार ने अगर की है तो 2-4-10 रूम ही बना दी है। शिक्षक भी अभी पूरा नहीं दे पाई है फिर भी अगर अंकुश चलाना हो तो ये शिक्षक पर ही चलाती है। आप सरकार के अंग हैं। आप इन सारी बातों को सुनकर मेरी दर्द को सुनकर मैं शिक्षक नेता रह चुका हूँ, नेता हूँ, नेतृत्व करता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़े कष्ट में हम लोग हैं। शत्रुघ्न बाबू ने कहा था, शिक्षा मंत्री के पास भी कहा था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेक्रेटरी अंकुश चलाते हैं, हमें पर हम पर शासन करते हैं। बताइए जिस दिन हम माँ दुर्गे की पूजा सारे लोग कर रहे थे उस दिन भी कह रहे थे कि आप भरिए फॉर्म और जमा कीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जिस क्षेत्र से गोह से बिलोंग करते हैं वो भी आपका क्षेत्र है। मैं गोह और हसपुरा की स्थिति बता दूं कि वहाँ 40 लाख रुपया मिला था सारे विद्यालयों से। सारे विद्यालयों को 40 लाख रुपया मिला था प्लस टू विद्यालय बनाने के लिए, लेकिन संजोग से दुर्भाग्य है वहाँ के विधायक उस समय जेल में थे। वह 40 लाख रुपया मेरा सब के सब लौट गया और एक हसपुरा और गोह के अभी भी विद्यालय उपेक्षित है। सांसद महोदय मैं बता दूं गोह बैजलपुर जो विद्यालय है उस बैजलपुर विद्यालय में आज भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। शिक्षक बड़े कष्ट से वहां जाते हैं। हरिगांव की वही स्थिति है। मैंने हरिगांव को उस समय देखा था जब पूरा मगध जल रहा था और बिहार के सारे शिक्षक उस धरती पर जल गए थे और हम लोगों ने मगध जला मियांपुर नरसंहार हुआ था उस समय भी गए थे हम लोग और उसको हमने देखा। उस समय हम लोगों ने शांति दी। बिहार के सारे शिक्षक वहां पहुंचे हुए थे सांसद महोदय, लेकिन आज भी वह स्थिति उसी तरह की है। स्कूल के मामले में मैं चाहूंगा कि जो हसपुरा और गोह के शिक्षक उपेक्षित हैं उन्हें याद करें। एक है वो हाई स्कूल जो मुख्यालय का विद्यालय है, वहाँ के सीओ इलेक्शन में उस चार दीवारी को तोड़ दिए और आज भी वह जो है चार दीवारी ढहा हुआ है। मैंने सीओ साहब से कहा लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिए हुए।
मैं चाहूंगा जो जो उसका जमीन है उसको एक बार कर बाउंड्री करवा दें। वहां करीब करीब 30 लाख रुपया अभी भी पड़ा हुआ है उस विद्यालय में। आप अगर चाहें तो विद्यालय स्वर्ग बन सकता है। विद्यालय के चार दीवारी रहेगा तभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तभी वह सुसज्जित रह सकता है विद्यालय। ये स्थिति है। इस तरह से मैं गुड़वा विद्यालय, दादर विद्यालय, ये सारे विद्यालय की वहाँ काफ़ी खराब स्थिति है। मैं उस क्षेत्र में गया हूँ और घूमा हूँ, एक एक विद्यालय से मैं परिचित हूँ। औरंगाबाद के सारे विद्यालय आज कष्ट में हैं, शिक्षक भी कष्ट में हैं। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं हमारे बीच से चले गए, जिस विद्यालय को बाग बगीचों के साथ, इस मंदिर के साथ सजाए हैं, वे आज उनकी चिन्हासी है। नंदलाल राम जी, नंदलाल राम जी एक अच्छे प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने मन में बार बार कहते थे जब हम लोगों ने इस विद्यालय से छोड़ के गया तो मैंने उनको सुपुर्द किया कि नंदलाल बाबू इस विद्यालय को आप देखेंगे। ये विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, इसी विद्यालय से मैं जन्म लिया हूँ, इसी विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, इसलिए आप इसे संभाल कर रखेंगे। नंदलाल बाबू आज इस विद्यालय को जो दे कर गए हैं वो आपके सामने है। मैं धन्यवाद देता हूँ नंदलाल बाबू को। और हमारे बीच एक परिचारिका रामेश्वर जी उस समय आए थे, बहुत मेहनत करते थे, हंसते थे, खेलते थे, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच नौजवान मित्र जो बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन एक बार जरूर करूँगा कि आप अपने कर्तव्य को समझें, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारी एक शिक्षक की मर्यादा है। हम अपनी मर्यादा को समझें, हम उस पैसे की ध्यान नहीं दें, क्योंकि हम उससे बनाते हैं। गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे को मैं बनाता हूँ। मैं भारत के भाग्य विधाता हूँ, मैं उसे बनाता हूँ। इसलिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मित्रों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, मैं जहां भी जाता हूँ यही शब्द आप सबों को कहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे बच्चे भगवान हैं, जो अभी कुछ नहीं जानते हैं, इनको मैं पक्ष प्रदर्शन करता हूँ तभी ये देश के भविष्य बनते हैं। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा इन्हीं चंद शब्दों के साथ। बहुत देर हो गया, मैं अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय छात्र।